अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। ये हमने 500 ग्राम दही ले लिया है और ये 250 ग्राम बेसन है और ये 2 चम्मच हल्दी ले ली है हमने और ये 2 चम्मच नमक और ये 2 चम्मच लाल मिर्च और ये जो है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है और ये अदरक और ये लहसुन और प्याज है। ये देखिए हमारा प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो गया है। अभी हमने इसमें 500 ग्राम दही डाल दिया। अब हम इसमें 250 ग्राम बेसन डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से खूब फेंट लेंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। हम इसको फिर मिला लेंगे। अब हम इसमें मिर्चे डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो मिला देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। सब चीजों को डालकर इसमें मिक्स कर देंगे। अब जितना हमने दही लिया था उसका दुगना इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और उसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसको गैस पर रख देंगे। हमने गैस का फ्लेम फुल कर दिया है। अब इसमें जब तक खूब अच्छे से खोल नहीं आ जाती जब तक हमें इसको चलाते रहना है और उतनी देर तक पकाना है इसको। अब ये देखिए हमारी कढ़ी में खोल आ चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये हमारी कढ़ी बन गई है। अब हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। ये हमने 250 ग्राम बेसन ले लिया है। अब हम 1 चम्मच मिर्ची डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे ये हम। और ये 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे।
हमारा बेसन अच्छे से फिट गया है। अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाकर तेल में तल लेंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन में तेल डाल दिया है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ निकालेंगे। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। अब जो हमारा तेल बच गया था उसमें हमने ये एक प्याज काट ली है उसको डाल देंगे। हमारी प्याज ब्राउन हो गई। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इस बघार को कढ़ी में डाल देंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई और ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।